आपने मुझे बुलाया मैम? नहीं, लेकिन गोविंद ने तो कहा आपने मुझे बुलाया। याद किया है, बुलाया नहीं। बैठो। थैंक्स। कुछ काम था? हाँ, मुझे तुम्हें कुछ देना है। मैं कुछ लाई हूँ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये लो, this is for my love. ये कितना खूबसूरत है ये। तुम्हें पता है राजेश, मैं तुम्हारे लिए एक लाल गुलाब का बुके लेने वाली थी, पर वहां मुझे एक भली औरत मिली। उसने सबसे पहले फूल वाले को बहुत डांटा क्योंकि वो मुझसे ज्यादा पैसे ले रहा था। फिर उसने मुझसे पूछा कि मैं ये गुलाब का बुके किस लिए ले रही हूँ। फिर मैंने कहा उसे कि जिससे मैं प्यार करती हूँ उसके लिए ले रही हूँ। तुम्हें पता है उसने क्या कहा मुझे? उसने कहा कि जिससे हम प्यार करते हैं उसे एक सफेद गुलाब देना ही बहुत है, क्योंकि सफेद गुलाब प्यार और शांति का सिंबल है। और वो सफेद गुलाब तो पवित्रता की निशानी होती है, इंसान के मन और रिश्ते की पवित्रता की निशानी है ना वो सफेद। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सफेद गुलाब को देखकर लोगों को सिर्फ शांति की ही याद आती है, पवित्रता की नहीं। ऐसी अच्छी बातें सिर्फ साफ दिल वाले लोगों को ही जल्दी समझ में आती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा मन साफ नहीं है। हाँ, थोड़ी सी धूल जमी पड़ी है मेरे दिमाग पर, इसलिए लेट समझ में आती है सारी बातें। ऐसी बात नहीं है, क्या है ना कि आपको तो ढेर सारे कामों की तरफ देखना पड़ता है, सारा टेंशन आपके सर पर है, तो इन छोटी मोटी बातों की तरफ ध्यान देने के लिए आपके पास वक्त कहाँ है? राजेश, मैं चाहती हूँ कि जब हम लोग शादी करें तो रास्ते के दोनों तरफ लाल और सफेद गुलाब के फूल हों, ढेर सारे फूल हों। क्योंकि लाल गुलाब इसलिए ताकि मैं हमेशा लाल जोड़े में ही रहूं, और सफेद गुलाब इसलिए ताकि हमारी मैरिड लाइफ में सिर्फ शांति हो, सुख, ढेर सारा सुख। एक्सक्यूज मी, वो मिस्टर त्रिहान की फाइल मुझे कंप्लीट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो फाइल। इफ यू डोंट माइंड मैं वो करूं कंप्लीट फाइल। मैं तो वो बात भूल ही गई थी। ठीक है, तुम जाओ। माँ, माँ दीदी कुछ बोलकर गई है कि कब आएगी? माँ तुम जवाब क्यों नहीं देती? अभी आऊंगी। दीदी तुम कहाँ चली गई थी? अरे यार, इंतजार हो रहा था क्या मेरा? पहले ये सब रखो 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 क्या कर रही हो? रखो तो सही। हाँ दीदी, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। हाँ, जिसके चंद दिनों में शादी होने वाली है वो तो खुश रहेगी ना। दीदी एक बात बताऊं? हाँ कहो। तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं, सच में बुरा नहीं मानोगी? कहो तो सही। दीदी तुम बैठो तो सही। अरे बोलो। मैंने गौरव को अपनी और तुम्हारी सच्चाई के बारे में सब कुछ बता दिया है। तू पागल हो गई क्या? क्यों किया तूने ऐसा? मैंने एक चिट्ठी में लिखकर उसे साफ साफ बता दिया कि मैं कौन हूँ। उसने क्या कहा? दीदी
पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे लगा कि वो मुझसे नाता ही तोड़ देगा, लेकिन लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दीदी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जानती हो उसने क्या कहा? उसने कहा कि मुझसे सच्चाई जान लेने के बाद वो मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना कि वो मुझसे पहले करता था। थैंक गॉड, पता, मैं इतना डर गई थी। और उसने कहा कि जितनी जल्दी हो सके माँ उनकी माजी से मिलकर शादी का दिन तय कर ली। हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा, as soon as possible। क्यों दीदी, इतनी बोझ हो गई हो क्या? आजकल तू प्रेम पत्र लिखकर सच्चाई सब बता रही है ना, इसके पहले कि दूसरा प्रेम पत्र लिखे और दूसरे सच्चाई से पर्दा हटा दे, हम जल्द से जल्द तुम्हें शादी के बंधन में बांध देना चाहते हैं। पगली दीदी। कितनी देर लगा दी? हाँ, क्या हुआ, लेट क्यों हुआ है? आज ऑफिस में ज्यादा काम था कुछ। ये क्या है? कहाँ, क्या? ये तुम्हारी शर्ट की पॉकेट में? ये हाँ, ये तो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, बस थक गया था सो भूल गया। कोई बात नहीं, बाहर जाकर भी तुम्हें मेरी याद आती है, ये क्या कम है? अरे मैं तो तुम्हें हर वक्त हर जगह याद करता हूँ। लेकिन सफेद गुलाब क्यों, लाल गुलाब क्यों नहीं? क्योंकि लाल गुलाब तो तुमने मुझे दिया था ना, तो मैंने सोचा कि मैं सफेद गुलाब दे देता हूँ। क्या है ना कि सफेद गुलाब देखो प्यार और शांति का प्रतीक होता है, पवित्रता की निशानी होती है, इंसान के मन और रिश्ते की पवित्रता की निशानी होती है ना? हाँ, लेकिन शादी के बाद तो लाल गुलाब ही अच्छे लगते हैं, उनसे प्यार झलकता है, पवित्रता तो होती है रिश्ते में शादी के बाद, क्योंकि दोनों ये जानते हैं कि ये बंधन अटूट है और उन्हें जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाना है। दोनों के बीच कोई दीवार ना खड़ी हो, ना नफरत की, ना अहम की, ना रुपए पैसों की, और हाँ, कोई तीसरी परछाई ना हो रिश्ते पर, है ना? सपना, तुम ठीक कह रही हो। अब बाय द वे, तुम्हें किसने बताया कि सफेद गुलाब शांति और प्यार का प्रतीक होता है? तुमने एक बार मुझे बताया था, याद नहीं तुम्हें? मैंने बताया था? कभी नहीं। तो ना सही, समझ लो कि मैंने कहीं पे पढ़ा था ये। देखो इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि पति और पत्नी के ख्यालात मिलने चाहिए शादी के बाद, है ना? ये बात ठीक है। हाँ। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आऊँ? यस। ऑफिस जा रही? हाँ, क्यों? आपको कुछ कहना था मुझसे? हाँ, एक बात बतानी थी। एक्चुअली कल रात को ही बता देना चाहता था, लेकिन जब तक मैं आया तुम सो रहे थे। मुझे एक केस मिला है और अवस्थी जी ने कहा है कि मैं ये केस इंडिपेंडेंटली लड़ सकता हूँ। सच? कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स, थैंक यू। अंचल, एक्चुअली ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम्हारी रेकमेंडेशन से ही मुझे ये नौकरी मिली थी। नहीं राहुल, मेरी रेकमेंडेशन पर नहीं, ये नौकरी आपको अपनी काबिलियत पर मिली है और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा विश्वास सही साबित हुआ। एक मिनट।
इंडिपेंडेंट लॉयर होने की खुशी में ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। ये पेन देते वक्त प्रेम ने मुझसे कहा था कि सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए ये पेन हमेशा मेरा साथ दे। उसी विश्वास के साथ आज ये पेन मैं आपको दे रही हूँ राहुल। भगवान करे कि सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए आपके कदम कभी ना डगमगाए, ये कलम हमेशा आपका साथ दे। आप ऊंची बुलंदियों को छुए और आपको मनचाही कामयाबी मिले। मैं चलता हूँ। बहुत प्यार करता है ना तो उसको मामा। मामा आजकल के जमाने में उस जैसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। वो जितनी खूबसूरत है उतनी ही सेंसिबल भी। सच कहा तूने, इस कंप्यूटर के एज में दोनों कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलते हैं। तेरी पसंद की तो दाद देनी ही पड़ेगी। पर पता नहीं उन लोगों ने इतनी देर क्यों लगाई है। लगता है आ गए वो लोग। ओह माय गॉड, तू तो किसी लड़की से कम नर्वस नहीं दिख रहा। मामा। नमस्ते। हाय। हाय। अगर और देर हो जाती ना तो न जाने क्या हो जाता। क्या हो जाता? ये साहब या तो घर से भाग जाते या फिर भाग जाते। तो कहाँ जाते, आते तो हमारे घर पर ही ना। बहुत प्यारी बातें करती हैं। इसका तो काम ही है। मतलब? मतलब कुछ काम नहीं होता तो बड़बड़ करती रहती हूँ। अब तो काम आ गया है ना? जी कैसा काम? शादी का काम। ओहो। जितनी जल्दी हो सके दिन तारीख देखकर पंडित को बुलवा कर मुहूर्त फिक्स करवा लीजिए। ये शादी जितनी जल्दी हो जाए ना उसमें हम सबकी भलाई है। जी क्या मतलब? मेरा बेटा मेरी बहू के बगैर अब नहीं रह सकता। मैं तो घबराई गई थी। वैसे मिसेस श्रीवास्तव मुझे आपसे एक बात कहनी है। वैसे तो हम लोग खाते पीते घर के हैं ही, बट इनके साहब की कोई डिमांड्स हो तो। हाँ शारदा जी, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। मैं सोचती हूँ सबके सामने ही करूँ। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। आपकी बेटी इतने बड़े घर में आएगी, यहाँ से सुख आराम की जिंदगी जिएगी, तो कुछ तो देना पड़ेगा ना आपको। मामा? तू चुप रहे। इतने सालों पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, लाखों खर्च किए हैं, इसके बदले में आप कुछ तो दे सकेंगी ना। एक करो। ये क्या कह रही हैं आप? ओके 75 लाख। अगर ये भी ना हो सका तो 50 से कम नहीं होती। लेकिन हमारी इतनी हैसियत नहीं है। श्रीवास्तव हम सिर्फ एक सर्वगुण संपन्न लड़की ही आप तक दे सकते हैं, उससे ज्यादा हमारी औकात नहीं है। हमें वही चाहिए। ये बहू हमारी लाखों में एक है। आपने दहेज की बात छेड़ी तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि इस काली नागिन से डराना चाहिए आपको। ना हम दहेज लेते हैं ना ही देते हैं, और अगर हमें पता चला कि यह हरकत कहीं हो रही है जबरदस्ती तो हम पुलिस की मदद लेकर हम सबक सिखाते हैं उसे। सचमुच बेटा तुम्हारी कितनी अच्छी किस्मत है कि तुम्हें ऐसी सास मिल रही है। मैं इसकी सास नहीं हूँ, माँ हूँ। माँ अरे मीनाक्षी कहाँ थी तुम अब तक? मैं किट्टू की एक दो सहेलियों से मिलकर आ रही हूँ। वो सिद्धार्थ और किट्टू के बारे में सब कुछ जानती है। पर वो कोर्ट में आने के लिए तैयार नहीं है। आई सी। अगर उन्हें कोर्ट में सबके सामने ना आना पड़े तो शायद वो लोग हमारी मदद कर सकते हैं।
इसका कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। मीनाक्षी, तुम अपने किसी दोस्त से मिलने वाली थी कोर्ट में, क्या हुआ, उसे मुलाकात हुई? नहीं मैम, उससे तो मेरी मुलाकात नहीं हुई। वो कुछ दिनों के लिए शायद बाहर गया हुआ। जब तक वो वापस आएगा हमारे केस की तो हियरिंग शुरू हो चुकी होगी। लेकिन मैम, आज मुझे वहाँ पर कुछ बात सुनने में मिली है। क्या? अमन सिंगल को जो हमने नोटिस भेजी थी उसे वो बिल्कुल बौखला गया, इसलिए हमारा मुकाबला करने के लिए उसने सिद्धार्थ के ओरिजिनल नेम सुरेंद्र के नाम से उसने केस फाइल करवाया। अच्छा, लेकिन मैं ये पता नहीं कर पाई कि ये केस लड़ कौन रहा है। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है कि अमन सिंगल का केस कौन लड़ रहा है, चाहे वो इस शहर का सबसे बड़ा वकील क्यों ना हो। मीनाक्षी, आई एम कॉन्फिडेंट कि ये केस हम ही जीतेंगे। आओ सुनो, कैसे हो? बस आपकी कृपा है आओ का। ये लो, क्या तुम्हारे लिए? सिंगल साहब, इसकी क्या जरूरत? सेना, हमें अपनी खुशी जाहिर करने का थोड़ा मौका दे दो, ये छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। सिंगल साहब, ये तो हमारा बस फर्ज था, आपने हमको कुछ करने के लिए बोला, हमने किया, बस यही काफी है हमारे लिए। अरे आप एक बार इशारा करके तो देखिए, जब कहिए जहाँ कहिए, आपने बोला कि नहीं कि ऐसे ही काम हो गया। सिंगल साहब, आप हमको एक बार काम करने के लिए बोले और हमने कर दिया, आप खुश हो गए, ये तो हमारे लिए बहुत बड़का बात हो गया। जानता हूं मैं जी, पान खाए। टेंशन नहीं सुना, टेंशन नहीं है। सुना है कि राहुल एक सच्चाई का पुतला है, और माला का कहना है कि वो अपने आदर्श और असूलों के कारण काफी नौकरी छोड़ चुका है। मैं ये सोच रहा था कि अगर उसको असलियत का पता चल जाए तो फिर क्या होगा? अरे सिंगल साहब, क्या होगा, वो कुछ नहीं कर सकता है। उसकी समझिए कि जो गर्दन है जी, वो फिलहाल तो हमारे पंजे में है, और सिंगल साहब एक बार जिसकी गर्दन हमारे पंजे में आ जाती है ना, तो वो सर हिला तो सकता है लेकिन सर उठा नहीं सकता, समझिए। तो ये काम करना ही पड़ेगा, वो नहीं करेगा तो जाएगा कहाँ? तो जरा से भी चूर चापर की ना सिंगल साहब, तो उसके माँ बाप सड़कों पर भीख मांगते फिरेंगे वो लोग। वो जो सच्चाई और ईमानदारी का जो पुलिंदा है ना, भीख मांगेगा चारों तरफ। सिंगल साहब, न सिर्फ उसको केस लड़ना पड़ेगा बल्कि जीतना भी पड़ेगा, और उसको तो हर हाल में जीतना ही होगा। अगर ऐसा हो गया रचना, तो तुम अपने किस्मत से बहुत खुश होंगे। तुम भी क्या याद करोगे कि अमल सिंगल से पाला पड़ा था। एक बात बताऊं सिन्हा, अमन सिंगल ऐसा इंसान है, अगर किसी आदमी ने उंगली के जरिए उसे अपनी मंजिल का रास्ता दिखाया ना, वो उसे भी नहीं भूलता, और तुम तो हमारे सामने आए। एक बार ये केस निपट जाना, देखना एडवोकेट आंचल का मैं क्या हाशर करता हूँ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।